हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो आज की बड़ी खबर है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। उसमें सबसे पहला जो हमारे रिजल्ट को लेकर एक बार फिर से डेट दी गई है कि हमारा रिजल्ट कब जारी होना है, तो उसको बताने वाला हूं। दूसरा, जो नए सत्र के एडमिशन शुरू होने हैं 2020-2021 के, उसके लिए भी डेट दे दी गई है, उसको मैं बताने वाला हूं। साथ के साथ जो हमारे एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं उसमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं स्टूडेंट, उसको भी मैं बताने वाला हूं कि एग्जाम फॉर्म फिल किस तरीके से करने हैं। तो वीडियो कौन तक देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होती है उसको मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे नए सत्र के एडमिशन होने हैं, यानी कि 2020-21 के एडमिशन होने हैं नए सेशन के। तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कल मीटिंग हुई थी, तो उसमें फाइनल किया गया है जो हमारे नए सत्र के एडमिशन है उसके लिए पोर्टल 9 जून से ओपन कर दिया जाएगा, यानी कि 9 जून से पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा और उसके बाद में वो रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जिन बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, यानी कि 12th क्लास के बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? अब इस पर जो फाइनल है वो डिसीजन मंडे को होने वाला है। अभी तक जो खबर दी गई है, अभी तक जो कहा गया है, दो न्यूज़पेपर की मैं आपको कटिंग दिखाने वाला हूं, उसमें अलग अलग चीजें दी गई हैं। उसमें कहा गया है कि जिन बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो बच्चे भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन अपने रोल नंबर से कर सकते हैं, उनको अपने मार्क्स की डिटेल नहीं डालनी है, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ उनके नेम, फादर्स नेम और जो उनके प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बिहाफ पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जब उनका रिजल्ट आएगा तो वो अपने मार्क्स अपलोड कर देंगे वहां पर एडिट करके, तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो एक न्यूज़पेपर में ये खबर दी गई है। दूसरा, साथ के साथ एक न्यूज़पेपर में, आज ही के न्यूज़पेपर में दूसरी खबर ये दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ अभी जो रजिस्ट्रेशन होंगे उन बच्चों के होंगे जो बच्चे 12th कर चुके हैं, जिनका पहले रिजल्ट आ चुका है, पिछली बार रिजल्ट आ चुका है, या किसी अदर बोर्ड से है जिनका रिजल्ट आ चुका है, तो उनके सिर्फ रजिस्ट्रेशन होंगे। तो इस पर फाइनल डिसीजन जो है वो आपका मंडे को होना है, मंडे को फाइनल डिसीजन हो जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा उसके लिए, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि दो न्यूज़पेपर में अलग अलग है इन्फॉर्मेशन। हो सकता है जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो सभी के लिए शुरू होगी, 99% यही होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सभी के लिए शुरू होगी, यानी कि जो बच्चे इस बार 12th में अपने एग्जाम दिए हैं जिन्होंने, या जो बच्चों के अभी एग्जाम रह गए हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन इस पर जो फाइनल डिसीजन होगा वो मंडे या ट्यूसडे में होगा। जैसे ही जो भी कोई फाइनल डिसीजन होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत बताऊंगा। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है जो ये हमारे रजिस्ट्रेशन होने हैं, एडमिशन प्रक्रिया शुरू होनी है, वो 9 जून को पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। जो हमारे एडमिशन है, हमें जाकर किस पर रजिस्ट्रेशन करना है, पोर्टल पर किस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, वो करना है हमें www.ccsuweb.in। ये जो पोर्टल है, आप अपना रजिस्ट्रेशन एंड्रॉइड मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इस साइट को मोबाइल फ्रेंडली बना दिया गया है, आप इसको मोबाइल से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कहीं साइबर कैफे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस बार सीसीएस यूनिवर्सिटी ने एक चीज और कर दी है स्टूडेंट के लिए, हेल्प के लिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहीं पर ऑप्शन मिलेगा आपको एक वीडियो कॉलिंग का, यानी कि आप उस पर क्लिक करेंगे, अपना वीडियो कॉल करेंगे, यूनिवर्सिटी में वो कनेक्ट होगा नंबर, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, वहां से यूनिवर्सिटी की तरफ से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आप वहां पे अपना वीडियो कॉल के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और आपके जो वॉइस कॉल वाले नंबर है वो भी वहां पर आपको डिस्प्ले होंगे अगर आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, और आप तब भी आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी कोई प्रॉब्लम है, मैं जितने जल्द से जल्द हो सकता है उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करूंगा। दूसरा, अगर हम बात करें जिन बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, यानी कि बीबीए बीसीए जिनके दिसंबर में एग्जाम हुए थे, सेमेस्टर एग्जाम हुए थे, अब उनके एग्जाम फॉर्म भी ओपन हो गए नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो अब वो कंफ्यूजन में है कि हम अपना एग्जाम फॉर्म फिल करें या ना करें, तो उसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी बहुत ही कोशिश में लगी हुई है, जल्दी में लगी हुई है कि उनका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक बार फिर से डेट दी है कि जो उनका रिजल्ट है बीबीए का रिजल्ट मंडे को आ जाएगा, मंडे को डिक्लेयर हो जाएगा, मंडे को वो चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट दी गई है रिजल्ट के लिए।
तो आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स हैं वो अपलोड नहीं करने पड़ेंगे, बिना उसके भी आपका रजिस्ट्रेशन आपका एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके लिए आपको जो प्रीवियस सेमेस्टर के में एग्जाम जो मार्क्स होते हैं वो फिल करने पड़ते थे, लेकिन इस बार आपको वो फिल नहीं करने पड़ेंगे, उसके बिना भी आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपको वेट करना है 2 से 4 दिन अपना रिजल्ट के बाद में आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। 2 से 4 दिन का आप वेट कीजिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसके लिए आपकी जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए वो 21 तारीख है। 21 तारीख तक अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में उसको फिल करने के बाद आपको कॉलेज में सबमिट कराना है। कॉलेज में सबमिट कराने की जो डेट है वो 21 से 22 आप जमा करा सकते हैं, उसके बाद में वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड किए जाते हैं। और आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका पूरा सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ के साथ अगर आपको एडमिशन किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है, आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या हो रही है, तो उसके लिए भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जितने जल्द से जल्द होगा उसका पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई जो भी कोई बड़ी अपडेट होती है उसको मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।